नमस्कार, मैं अमोल और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे देसी कलाकार इस प्रोग्राम में। इस कलाकार का उद्देश्य नागपुर के उन कलाकारों को आप तक पहुंचाना है जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा नाम कमाया है। और एक ऐसी ही कलाकार हमारे साथ है जिसने स्टेज से अपनी शुरुआत की थी, बाद में शॉर्ट फिल्म्स, बाद में फिल्म्स और बाद में एल्बम्स। एक ऐसी कलाकार जिसके एक सिंगल गाने को 50 मिलियन से ज़्यादा जो है वो व्यूज़ हैं। आप कहेंगे ऐसी कौन सी कलाकार है जिसके गाने को 50 मिलियन व्यूज़ है और उसे हमने देखा नहीं। तो ऐसी एक बहुत ही खूबसूरत कहूँगा मैं एक कलाकार हमारे साथ है और आई होप आप लोगों ने आना बाबूराव ये जो गाना है ज़रूर सुना होगा, लेकिन देखा बहुत कम लोगों ने होगा। तो जिन लोगों ने देखा है तो वही चेहरा हमारे साथ, और आज हमारे साथ रानी है। तो रानी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। तो रानी, पहला सवाल यही पूछूंगा मैं कि प्रोफाइल पढ़ रहा था मैंने, पढ़ाई बहुत की है तुमने, काम भी बहुत किया है, शुरुआत कैसी हुई तुम्हारी इस जर्नी की? मुझे बचपन से ही शौक था डांसिंग का, एक्टिंग का। डांसिंग का था, एक्टिंग का तो टेंथ से मुझे पता चला मुझे एक्टिंग आती है। जब कॉम्पिटिशन होती थी स्कूल लेवल की, विदर्भ लेवल की, तो स्कूल से काफ़ी अच्छे जो करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं ऐसे लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, उसमें मैं हमेशा आगे रहती थी। और हाँ, वहीं से मेरी शुरुआत हुई है, मैं बोल सकती थी स्कूल लेवल से मेरी शुरुआत हुई है। उसके बाद फिर 11th 12th, फिर उसके बाद भी आगे बढ़ती गई, स्कूल लेवल, विदर्भ लेवल कॉम्पिटिशन देती गई, और उसके बाद स्टेज शो चालू किए मैंने, प्रोफेशनल डांसिंग चालू की, और शॉर्ट फिल्म्स, मूवीज़ ऐसे ऑफर्स आते थे मुझे। एक्चुअली मैं 9th स्टैंडर्ड में थी तभी मेरे घर 2 से 3 डायरेक्टर आके गए और मूवीज़ के लिए, तो मम्मी बोलती थी नहीं इतने अब तो काफ़ी छोटी है अभी तो नहीं जाना करके, और ये फील्ड भी थोड़ी रिस्की है, सभी को लगता है, स्पेशली अपने पेरेंट्स को लगता है कि मेरी बच्ची छोटी है अभी नहीं करना चाहिए, ये फील्ड में नहीं जाना चाहिए। तो मम्मी पापा तो मना करते थे, और फिर बाद में मैं आगे बढ़ती गई क्योंकि ये फील्ड में मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि मैं ये फील्ड में जाऊँ, और काफ़ी ज़्यादा मुझे खुशी मिलती थी डांसिंग एक्टिंग करके। तो फिर मूवीज़ और एक्टिंग के लिए मम्मी ने परमिशन दी, और फिर मैंने सबसे पहले तो लीड रोल किया एक सोटिया दोन गोटिया, मेरा भाई था, मेरे रिलेटिव थे विलास गाड़गे डायरेक्टर, उन्होंने बात किए मम्मी से और फिर ठीक है बोला मम्मी ने, और फिर वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। मुझे ऐसा लगता है कि एक स्त्री से अच्छा कलाकार कोई नहीं होता, क्योंकि कई सारे किरदार वो अपनी ज़िंदगी में निभाती है, एक माँ होती है, एक बहन होती है, और बहुत सारे किरदार वो अपनी ज़िंदगी में जो है निभाते रहते हैं। मैं कहूँगा कि मैंने प्रोफाइल पढ़ा रानी तुम्हारा, तो उसमें लिखा था कि एमटेक भी किया है, एयर होस्टेस का डिप्लोमा भी किया है, तो थोड़ा लोग ना शौक हो जाते हैं, मतलब पहले तो होते होंगे, अभी नहीं होते हैं क्योंकि हमको पता है कि ज़माना बदल गया, कोई कुछ भी कर सकता है। तो एमटेक भी किया, फिर एयर होस्टेस का डिप्लोमा भी किया, और फिर मैंने उसमें ये भी पढ़ा कि तुमने जॉब भी की, तो ये सब करा, और फिर बावजूद इसके फिर डांसिंग और एक्टिंग, ये कैसे, ये केमिस्ट्री मुझे समझ में नहीं। मुझे स्टार्टिंग से ही बिजी रहना काफ़ी अच्छा लगता था। मैं जब 11th 12th में थी तब मेरा एयर होस्टेस का डिप्लोमा हुआ है, स्कूल में ही आए थे वो लोग डिप्लोमा कराने वाले, उन्होंने मेरा सिलेक्शन किया और काफ़ी कम फीस में मेरा हो रहा था तो कर लिया मैंने। उसके बाद जब मैं फर्स्ट ईयर में थी इंजीनियरिंग में, तब मैंने एयरपोर्ट पे जॉब किया, एडमिन मैनेजर थी, उसके पहले मैं कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव थी, उसके बाद एयरपोर्ट पे एडमिन मैनेजर बनी, और इंजीनियरिंग के साथ मैं जॉब कर रही थी, और फिर उसके बाद एमटेक किया। और मेरा यही मानना है कि एजुकेशन फर्स्ट प्रायोरिटी है, इंसान ने कोई भी रहे सबसे पहले एजुकेशन करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो पहचान होती है वो हमारे नाम से तो होती ही है, उसके साथ हमारे एजुकेशन के साथ होती है, और हमारी जितने भी हॉबीज़ है या हमारा पैशन है, अगर हमें ये फील्ड में भी आगे बढ़ना है तो हमें अपने एजुकेशन के साथ करना चाहिए, क्योंकि जिद रही इंसान में तो वो कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल सही कहा, और मैं हमेशा ही उन लोगों को कहना चाहूँगा जिन्हें लगता है कि फोकस होना चाहिए, लेकिन साथ में पढ़ाई भी करनी चाहिए, अपनी हॉबीज़, अपने इंटरेस्ट को भी साथ में कंटिन्यू करना चाहिए। फिल्म तो पहली तुम्हें तुम्हारे घर से ही मिल गई, तुमने बताया कि तुम्हारे भैया ही लगते थे वो जो डायरेक्टर थे फिल्म के, आला बाबूराव ये गाना बड़ा पॉपुलर हुआ जिसने तुमको नाम फेम दिया, और रानी जहाँ कहीं भी जाती है तो जब उसकी शोरी लाती है तो उसमें आला बाबूराव फेम ही लिखा होता Correct, है हाँ। तो वो गाना कैसे क्या मिला तुम्हें, और उस गाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि पहला कमर्शियली इतना बड़ा गाना था वो तुम्हारे लिए।
उसका एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा। वो मिला कैसे मैं पहले बताती हूँ। बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स, उसमें काफ़ी आता है कि ये सॉन्ग के लिए रिक्वायरमेंट है, ये सॉन्ग के लिए रिक्वायरमेंट है, मूवी के लिए रिक्वायरमेंट है। उसके लिए मैंने अपनी प्रोफाइल भेजी थी, उसी के पहले मैंने शॉर्ट फिल्म्स, टेली फिल्म्स, मूवीज़, एल्बम्स काफ़ी कुछ किया था, बट वो इतना फेमस नहीं हो पाया। तो फिर डायरेक्ट प्रोफाइल सिलेक्शन हुआ और मेरा कोई ऑडिशन वगैरह कुछ नहीं हुआ, डायरेक्ट मुझे सॉन्ग ऑफर हुआ। सुमित म्यूज़िक काफ़ी फेमस कंपनी है, उसका काफ़ी रिप्यूटेड कंपनी है मराठी इंडस्ट्री में अभी वो। तो फिर मैं गई डायरेक्ट और मैंने परफॉर्म किया। देखो कितनी अच्छे नसीब है, ऑडिशन भी नहीं देना पड़ता और काम मिल जाता है। ये बात आपने काफ़ी सही, बहुत ही बराबर कही है, करेक्ट कही है। मुझे ऐसा लगता है कि मेहनत के साथ 1% लक मैटर करता है आगे बढ़ने के लिए। मैंने इतने सारे काम किए लेकिन फेमस मेरा एक ही सॉन्ग हुआ, आलाबा बोलो। इसके बाद भी मैं काम करूँगी, मे बी वो होता है नहीं होता है उसके ऊपर, ये सब हमारी जो चीज़ें हम करते हैं 1% कहीं ना कहीं लक मैटर ज़रूर करता है। वही मैं कह रहा था कि लोग ऑडिशन देते देते थक जाते हैं, बेचारों को काम नहीं मिलता, इसको फोटो भेज के काम मिल जाता है, इससे ज़्यादा और क्या होना चाहिए। आप लोग पहले फोटोग्राफ्स भेजते हैं, फिर ऑडिशन देते हैं, फिर शॉर्टलिस्टेड होते हैं, फिर स्क्रीन टेस्ट होता है और उसके बाद फिर काम मिले ना मिले भगवान मालिक है। कई बार तो काम मिलने के बाद भी स्क्रीन पे दिखेंगे या नहीं दिखेंगे उसकी भी गारंटी नहीं होती। अगला सवाल मेरा ये था कि शॉर्ट फिल्म्स भी तुमने की, स्टेज शोज भी तुमने किए, तुमने फिल्म्स भी की और तुमने सिंगल्स भी किए, सबसे ज़्यादा मज़ा तुम्हें किस चीज़ में आया और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट तुमको क्या लगता है? मुझे डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं लगता, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आती है डांसिंग करने में, बहुत ज़्यादा मज़ा आती है क्योंकि मैं उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टाइज हुई हूँ, क्योंकि मेरा खुद का एकेडमी भी है, डांस एकेडमी। मैं खुद कोरियोग्राफर हूँ, मैं भी 10-15 ईयर्स हो गए हैं मैं डांस सिखा रही हूँ, गरबा भी सिखा रही हूँ, अभी तो प्रेजेंटली गरबा सिखा रही हूँ। तो मुझे डांस करने में काफ़ी मज़ा आता है और एक्टिंग करने में भी मज़ा आता है, स्पेशली जब पूरा क्रू होता है, काफ़ी रिस्पेक्ट मिलती है छाता लेके एक स्पॉट बॉय होता है, दो चार लोग होते हैं, एक हेयर करने वाला, एक मेकअप करने वाला, तो बहुत ज़्यादा वेटेज जब मिलता है तो नेचुरली बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। मतलब इसको पैम्पर करने वाले लोग चाहिए, मैडम पानी ले लो, मैडम चाय ले लो, मैडम जूस ले लो, मैडम मेकअप कर दो। हर लड़की को पैम्पर करना बहुत अच्छा लगता है। डिफ़िकल्ट क्या लगता है तुम्हें, मतलब गाना करना या फिर जो गाने तुम करती हो या फिर शॉर्ट फिल्म करना या फिर फिल्म करना, क्या डिफ़िकल्ट क्या लगता है? मैं सच्ची बता रही हूँ, मुझे कुछ भी डिफिकल्ट नहीं रहता लगता, क्योंकि होती है डिफिकल्ट हो गया ना, डर वर नहीं लगता है? डर बिल्कुल भी नहीं लगता, मुझे बहुत खुशी मिलती है। एक बताऊँ, मैं पब्लिक जब रहते ना तब मेरा जो एक्साइटमेंट है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। अगर पब्लिक नहीं रही और मैं एग्जांपल में डांस कर रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ और कुछ कोई मुझे इंटेंशन नहीं दे रहा है तो मैं फिर ऐसा लगता है क्या करना। अगर स्टेज परफॉर्म करते एग्जांपल एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट बुलाते हैं, मैं सेलिब्रिटी परफॉर्मेंस देती हूँ, बट अगर अच्छी खासी पब्लिक है तो मुझे मज़ा आएगी। एक आर्टिस्ट वही होता है ना, पब्लिक चाहिए उसको, तभी तो मज़ा आएगी ना। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल अभी मैं पूछता हूँ, लॉकडाउन हुआ, कोरोना हुआ, कलाकार जो पर्दे से स्क्रीन से बड़े दूर हो गए, तो वो जो टाइम था वो तुमने कैसे मैनेज किया, खुद में क्या अपडेट किया और तुम क्या कर रही थी लॉकडाउन में? तुम भी खाना बना रही थी और वीडियो डाल रही थी? नहीं, मैं वीडियो तो नहीं डाल रही थी, बट मैंने काफ़ी कुछ सीखा खाना बनाना। एक्चुअली मैं कभी खाली नहीं रह सकती, ये मेरा बहुत ज़्यादा एक निगेटिव पॉइंट है कि मैं बैठी या सोई नहीं रह सकती घर में, या फिर टाइम पास नहीं कर सकती, मुझे कुछ ना कुछ काम चाहिए रहता। तो मैंने मेरी फैक्ट्री बंद नहीं रखी, मेरा एक मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ वर्धा प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड की, मेरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसमें डिनर सेट, स्पून्स और अभी कंटेनर है अपकमिंग, ये सब प्रोजेक्ट्स बन ये सब चीज़ें बनती है, प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो मैंने फैक्ट्री बंद नहीं रखी क्योंकि जितने भी इम्प्लॉई है वो लोगों को सैलरी मिलनी चाहिए। बस 3 महीने मैंने थोड़ा फैक्ट्री बंद रखी थी और उसका भी पे मैंने इम्प्लॉई को किया था, क्योंकि अभी सिचुएशन इतनी ख़राब थी कि सबको पैसों की ज़रूरत थी। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है,
पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। मतलब हमारी रानी जो है वो एक एक्टर, डांसर, सिंगर और एक बिजनेस वूमन भी है जो एक कंपनी भी संभालती है। घर भी संभालती हो, किसी बाहर ही संभालती हो फिर? हाँ, घर भी संभालती हूँ, खाना मैं ही बनाती हूँ दोनों। और ऐसे है कि मतलब इस क्षेत्र में आने के लिए, जैसे कि तुम्हारी पहले मॉम नहीं बोलती थी और अब तो तुम एक बड़ी फैमिली का एक हिस्सा हो, तो घर वाले बड़ा अपोज करते हैं इस इंडस्ट्री में। बेसिकली लड़कियों को फिल्म हो या गाने वाने करने के लिए वो कहते हैं कि ये जगह अच्छी नहीं काम। तो तुम्हें घर से कैसा सपोर्ट है, घर के लोगों का कैसा बिहेवियर है? मुझे काफ़ी सपोर्ट है घर से और काफ़ी उनको भरोसा है मेरे पे। फर्स्ट ऑफ ऑल वही ट्रस्टी होना चाहिए। और ये सही बात है, फील्ड अच्छी नहीं है बट डिपेंड हमारे पे करता है। अगर हम हाँ बोलते हैं तो आगे वाला आगे बढ़ेगा, अगर हम ना बोलते हैं तो वहीं पे स्टॉप हो जाते। मैंने आप यकीन नहीं करोगे, मोर देन 150 प्रोजेक्ट्स मैंने रिजेक्ट किए हैं। तो कुछ अच्छे काम तो होते कुछ हैं। ऐसा किस्सा हुआ है तुम्हारे साथ कि तुम कह रही हो कि अच्छी नहीं होती इंडस्ट्री? तो हाँ, काफ़ी है। दो दिन आड़ मुझे ऐसे ही फोन आते। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, मैं देखता हूँ कई सारे बच्चे आजकल बोलते हैं कि मुझे मॉडलिंग का असाइनमेंट आ गया, मुझे एल्बम आ गया, और वो मतलब उन सारी चीज़ों को मैं कहूँगा कि ये हो जाते हैं जहाँ पर उनको नहीं जाना चाहिए। नहीं तो ऐसे लोगों से तुम क्या कहोगे कि एक छोटा सा ऑफर भी आता तो चले जाते हैं? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा फेक पीपल है ये फील्ड में। पैसे जो स्पेशली पैसे लेके काम देते हैं उनसे तो काम मत ही करो, उनसे कांटेक्ट में भी मत रहो। प्रॉपर मुंबई जाओ अगर ये फील्ड में जाना है, ऑडिशन दो, प्रॉपर वे से एक सिस्टम होता है, सिस्टम से आगे बढ़ो, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। बहुत सारी बच्चियां होगी, बहुत सारे लड़के होंगे जो तुम्हें देख रहे होंगे और वो भी चाहते होंगे कि वो किसी शॉर्ट फिल्म में काम करे, फिल्म में काम करे, कोई एल्बम में भी वो एज अ लीड आए। तो शुरुआत कैसे करनी चाहिए इन बच्चों ने, कैसे वो उस प्लेटफॉर्म तक पहुँचे? और आजकल मेरे को लगता है प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा हो गया, जब से OTT आ गया तो मेरे ख्याल से हर कोई अपनी नसीब को आजमा सकता है। मेरे कई सारे दोस्त ऐसे हैं जो मेरे साथ बैठा करते थे लेकिन आज वो कई सारे बड़े बड़े वेब सीरीज़ के लिए काम कर रहे हैं, कुछ लोग गाने कर रहे हैं, कुछ लोग फिल्म कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। शुरुआत कैसे करनी चाहिए किसी भी इंसान ने जब जाना है तो? सबसे पहले तो उन्होंने ट्रेनिंग लेना चाहिए, थिएटर्स करना चाहिए, उसी के बाद वो खुद, मुझे ऐसा लगता है वो उनको एक्चुअली इंटरेस्ट है क्या ये फील्ड में, वो इम्पोर्टेंट है। वो सिर्फ फेम देख के कि अरे वाह ये कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है, नहीं। सबसे ज़्यादा मेहनत ये फील्ड में है क्योंकि मेरा फैक्ट्री भी है, मैं जॉब भी कर चुकी हूँ, सब चीज़ों का मुझे एक्सपीरियंस है। सबसे ज़्यादा मेहनत ये फील्ड में है मेरे हिसाब से। तो अगर हम मेंटली रेडी है, अगर आता भी नहीं है और हम रेडी है कि हमें करना ही है तो इंसान कर सकता है, बट प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ, ट्रेनिंग, प्रॉपर ऑडिशन, और वो भी अच्छे जो रिप्यूटेड प्रोडक्शन हाउस है वहीं पे जाके करना चाहिए। जो अभी नए नए बहुत सारे हैं कि फर्स्ट पिक्चर बनाते हैं, अभी ये हमारी पहली पिक्चर है, आप फ्री में काम करो, ये उसमें कर लेते हैं, चलो एक्सपीरियंस के लिए ये वो, लेकिन वो कोई फ़ायदा नहीं। सभी पिक्चर थिएटर्स में आते हैं इसकी गारंटी नहीं, काफ़ी डूब जाते हैं। और अगर पिक्चराइजेशन भी अच्छा हुआ, कास्टिंग भी अच्छी हुई, बट जो नए प्रोड्यूसर या डायरेक्टर होते हैं उनको ये पता नहीं रहता है कि रिलीज कैसे करें, उसका एडवर्टाइजमेंट कैसा करें, वो कैसे क्या लोगों तक पहुँचाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रहती है जो सभी को नहीं पता रहता। तो जो प्रॉपर प्लेटफॉर्म है उसी के थ्रू जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही रानी ने। मैंने भी बहुत सारे लोगों को देखा, दोस्त बोलते हैं कि तू अच्छा दिख रही, तू अच्छा गा रही, तू गाना गा सकती, तू एक्टिंग कर सकती है, और इन लोगों के बहकाव में आके लगता है उन्हें कि हम पर एक प्रॉपर, मेरे को लगता है चैनल है। और एक्टर आदमी एक दो दिन में नहीं बनता, जो लोग वर्कशॉप्स करते हैं, बचपन से एक्टिंग कर रहे होते हैं, थिएटर कर रहे होते हैं, तो उन लोगों के लिए बड़ा आसान होता है। जैसे इसने कहा रानी ने कि बहुत फेक लोग हैं, आपको बहुत सारे प्रलोभन बना देंगे, आपको रात भर में सेलिब्रिटी बना देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसा कुछ होता नहीं, कोई रात भर में सेलिब्रिटी नहीं बनता। किसी रियलिटी शो में भी कोई सिंगर आता है या डांसर आता है
तो बचपन से वही कर रहा होता है तब जाके वो वहां तक पहुंचता है, रात भर में कोई कलाकार नहीं बनता है। तो रानी कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा कि बड़ा फनी हुआ वो सेट पे तुम्हारे साथ या कभी, हाँ। जो जरूर तुम्हें हमेशा याद करना, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। बहुत ही फनी और बहुत अच्छा था, मेरा फर्स्ट फिल्म था और मैं काफी छोटी थी, मे बी 18-19 साल की थी। तो हमारा शूट हो रहा था यवतमाल में और सब लोग वहाँ पे बहुत क्राउड आ जाता था, गांव था, गांव में शूट था, तो अरे मैडम आई ऐसा ऑटोग्राफ्स के लिए, फोटोग्राफ्स के लिए। तो एक बार ऐसा हुआ कि हॉस्टल का शूट चल रहा था, हॉस्टल में मैं और मेरी दो फ्रेंड्स, ऐसे हम तीन लोग शूट कर रहे हैं और शूटिंग थोड़ी स्टॉप है, ब्रेक मिला है। तो ऊपर जाने के लिए लड़कों के पास कुछ ये नहीं था कि कैसे जाए, तो जैसे वो एक के ऊपर एक चढ़ के चार पांच पिरामिड बनाते हैं, हाँ पिरामिड बनाया उन्होंने और ऊपर से कॉपी देके मैडम ऑटोग्राफ और मैंने दिया ऑटोग्राफ, सब लोग गिर गए वो सबसे फनी मोमेंट था और सबसे मेमोरेबल एक वही शूट का था मोमेंट, जैसे मैं जा रही थी, एक लड़का कंटिन्यू रोज आता था मैडम 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 से मिलना है, हैंडशेक करना है, ये सब। उन्होंने काफ़ी अच्छी कविता लिखी थी मेरे लिए और वो खुद उन्होंने बनाई थी, वो अभी भी मेरे पास है। वाह वाह, दैट्स कॉल्ड अ फैन मूवमेंट। और ये फैन मूवमेंट रानी के साथ जो है वो हुआ है और बहुत अच्छी बात है। रानी मैं कहूँगा कि बहुत सारे लोग, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे लोग देख रहे, बेसिक एक रिक्वायरमेंट क्या होती है एक आर्टिस्ट के लिए अगर आर्टिस्ट बनना हो तो। और इसी के साथ जोड़कर एक सवाल है कि स्टेज से तुमने शुरुआत की थी, मैंने कई सारे शोज में तुमको परफॉर्म करते हुए देखा, तो कभी तुमने सोचा था कि यहाँ से लेके तुम यहाँ पहुँचोगी? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था और ऐसा मेरा था भी नहीं कि मुझे फेम चाहिए, नेम चाहिए। मुझे खुशी मिलती थी, मैं करती थी, एक पैशन था। मैं डांस इंडिया डांस कही गई हूँ, टॉप 30 कंटेस्टेंट रही हूँ वहाँ पे जी टी वी में 2015 में, तो वहाँ से भी मैं आगे बढ़ सकती थी, बट थोड़ा वही कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा लो होने के कारण मैं आगे नहीं बढ़ पाई। मैंने परफॉर्म अच्छा नहीं किया था, नहीं तो मैं वहाँ पे भी रहती थी। एक आर्टिस्ट में छोटी चीज़ होनी चाहिए जो उसे बहुत हेल्प करती है, सबसे बेसिक क्या होना चाहिए? उसकी चाह होना चाहिए, चाह, उसको क्या करना है, सबसे पहले वही है कि उसको क्या करना है। अगर उसको ये करना है तो फिर जिद, उसको पैशन बनना, एक हॉबी रहता है, हॉबी को पैशन बनाने में जो टाइम लगता है, वो टाइम में जो मेहनत करनी पड़ती है, वो मेहनत करनी चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछूंगा, अभी पुराने दोस्त तो बहुत कम मिलते होंगे, अभी सिर्फ फेसबुक, व्हाट्सअप या इंस्टा से ही मिलते होंगे, तो जिनके साथ पहले स्टेज शेयर करते थे आज वो भी अलग अलग जगहों पर होंगे, तो जब वो बात करते तो रिस्पांस कहता होता है, कैसे बात करते, क्या कहते, क्या है वो लोग फिर? मैं काफ़ी डाउन टू अर्थ हूँ, सभी ही बोलते हैं वैसे, तो मैं कभी ऐसा बिहेव नहीं करती कि मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, ऐसा मैं जाती उनको मारती, वो मुझे मारते, हक करते, तो जैसा था वैसा ही है, ऐसा काफ़ी कुछ चेंज नहीं हुआ क्योंकि मेरा नेचर सेम है। अगर मैं चेंज हो जाती कि अरे हाँ मैं ये, हाँ, वो, मैंने तो गाना किया है, मैं तो फिल्म भी कर रही हूँ, आप खुद मेरे फ्रेंड हो, आप ही को पता है सबसे अच्छा। ये बात भी सही है, तो अच्छा है, और हम ऐसे ही चाहते कि रानी जो है फ्यूचर में भी ऐसे ही तरक्की करे बहुत बहुत। तो रानी बहुत बहुत धन्यवाद, इतने कम शॉर्ट नोटिस पर तुम आई, हमसे ढेर सारी बातें की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए भी तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए, मुझे काफ़ी खुशी मिली और मैं चाहती हूँ कि ये VKB न्यूज़ चैनल बहुत आगे बढ़े बहुत तरक्की करें। आप जैसे लोगों का साथ रहेगा तो ज़रूर तरक्की। थैंक यू।